नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनी मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 अक्टूबर को रिलीज की गई थी। फिल्म को दोस्तों समीक्षकों द्वारा काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, इसके बावजूद फिल्म का कलेक्शन काफी शानदार रहा। लोगों ने दोस्तों इस फिल्म को काफी पसंद किया है। और बता दें दोस्तों आपको कि हाउसफुल 4 ने एक स्टार के रिव्यू के साथ ही कई बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हाउसफुल 4 के 24 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कितने रिकॉर्ड बना दिए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह फिल्म अक्षय कुमार सर की इस साल रिलीज हुई तीसरी फिल्म थी, और दोस्तों उनकी दोनों ही फिल्में इससे पहले सुपरहिट रही थी। वही दोस्तों उनकी यह तीसरी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है। दोस्तों हाउसफुल 4 अभी तक इस फिल्म के मेकर्स को लगभग 120% से ज़्यादा का प्रॉफिट दे चुकी है। हाउसफुल 4 ने दोस्तों जहां अपने पहले हफ्ते में लगभग 141 करोड़ 31 लाख रुपए का कारोबार किया था, वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो दूसरे हफ्ते का कलेक्शन था वो भी काफ़ी शानदार रहा, और इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में कमाए थे 48 करोड़ 42 लाख रुपये। तीसरे हफ्ते में भी दोस्तों इस फिल्म ने काफ़ी अच्छी कमाई की, और तीसरे वीकेंड में ही ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी और सुपरहिट हो चुकी थी। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने अपने 20 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 204 करोड़ 48 लाख रुपए की कमाई कर ली थी, और 2019 की पांचवी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। दोस्तों इस फिल्म ने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट के 202 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। शाहरुख खान की सबसे बड़ी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के 203 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया था। वहीं अक्षय कुमार ने खुद ही अपनी फिल्म मिशन मंगल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने कॉमेडी फिल्मों में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म गोलमाल अगेन के 205 करोड़ के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, और अक्षय कुमार की ये फिल्म कॉमेडी हिस्ट्री में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि आज इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 24वां दिन चल रहा है। यह फिल्म अपने 23 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 209 करोड़ की कमाई कर चुकी थी। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग 24वें दिन की, तो दोस्तों आज भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2 करोड़ की कमाई कर रही है। इस तरह से इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो हो चुका होगा 211 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 302 करोड़ की कमाई कर चुकी होगी। इस तरह से अक्षय कुमार की यह फिल्म लगातार दूसरी ऐसी फिल्म है जो कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगातार 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वही दोस्तों ये उनकी लगातार 16वीं सक्सेसफुल फिल्म है जिसने कि बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग हासिल किया है। तो दोस्तों यहाँ पर अक्षय कुमार की ये फिल्म अभी भी काफी अच्छी कमाई कर रही है। आने वाले टाइम में दोस्तों ये फिल्म सुपरस्टार सलमान खान की ईद पर रिलीज हुई फिल्म भारत का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी, और हो सकता है दोस्तों की ये फिल्म और भी कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंडियन हिस्ट्री की टॉप 20 फिल्मों में शामिल हो जाए। आपको दोस्तों यह फिल्म कैसी लगी आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।